बीसीसी वालों की गजब ही खराब व्यवस्था है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सुधीर। आप देखना शुरू करके हैं एशिया कप स्पेशल। और वैसे तो व्यवस्था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, लेकिन उनको फिलहाल खाली इस बात के लिए कोस सकते हो कि कौन सा डीजे पकड़ कर लाए थे जो कलियों का चमन जब बनता है गाना बज रहा था। मैच रद्द होने के पीछे पूरी तरह से बीसीसीआई जिम्मेदार है। जब ये तय हो गया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा और दुनिया की सारी टीम जा रही थी तो चले जाते। हमने मम्मी को बोला कि धनिया मिर्ची सब 3 बजे से पहले मंगा लेना। बॉस को बोल दिया कि नौकरी से भले ही निकाल दो लेकिन सैटरडे को ड्यूटी नहीं करेंगे। गर्लफ्रेंड को बोल रखा था एक दिन के लिए भले ही दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच में अवेलेबल रहेंगे, और बदले में हमें क्या मिला, आधा अधूरा में। भाई हमारे साथ ये मत किया करो, तुम लोगों की वजह से हम लोग पाकिस्तान की सूजी है ये नहीं बोल पाए। ऊपर से इसरो वालों ने भी देर कर दी, आदित्य L1 सुबह ही लॉन्च कर दिया। थोड़ा पहले लॉन्च करते सूरज के आसपास पहुंच जाता तो बातचीत करके सूरज का मुंह इधर से उधर घुमा देते, कम से कम ग्राउंड तो टाइम पर सूख जाता। लेकिन सच में यार मन बनाया मूड का दही हो गया। फिलहाल टीम इंडिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। रोहित भैया के आसपास का कोई आदमी अगर ये वीडियो देख रहा है तो जरा प्यार से उनके पास जाकर पूछना कि जब बारिश का अंदाजा था और ये पता था कि मैच का रिजल्ट डकवर्थ लुइस से आएगा तो फिर क्या लॉजिक था पहले बैटिंग करने का। ऊपर से आसमान में बादल थे और पता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बेनिफिट ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद गली वाली क्रिकेट सोच नहीं गई और टॉस जीतकर पहले बैटिंग लिया गया। और बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा को खुद पता चल गया होगा कि यह डिसीजन गलत। बाहर जाने वाले गेंद को तो दोनों बल्लेबाज छेड़ नहीं रहे थे, जबकि अंदर आने वाली गेंद पर बल्ला ऐसे लग रहा था जैसे बल्ले ने गेंद से उधारी ले रखी और उसका सामना नहीं करना चाहते थे। किसी तरह तो हमारे 2-3 ओवर शुरू में निकले, लेकिन फिर आ गई बारिश। ये वाली बारिश तो बादलों की बारिश थी, लेकिन जब बॉलरों की बारिश शुरू हुई तो उसके बाद शुरू हुई इंडिया क्रिकेट फैंस के आंसुओं की बारिश, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने रन ब्रेक के फौरन बाद एक बेहतरीन गेंद पर कैप्टन रोहित शर्मा को वापस लौटाया और अपने अगले ही ओवर में विराट कोहली को बोल्ड मारकर हमारी कमर तोड़ दी। शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही दिन में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड मारकर आउट किया। दूसरी तरफ गिल ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे जल बिन मछली, इतना प्रेशर तो उन पर सारा ने किसी ने भी नहीं डाला। और 4 नंबर पर खेलने आए श्रेयस अय्यर बढ़िया टच में नजर आ रहे लेकिन मिड विकेट पर कैच दे बैठे। हैरिस रऊफ ने भी 32 गेंदों पर 10 रन बनाने वाले सुमन गिल को आउट करके उनका संघर्ष खत्म किया। 6 रन पर हमारे 4 विकेट गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि आज हमारा टीवी फूटेगा, लेकिन फिर KL राहुल के जगह पर मैच में खेल रहे ईशान किशन ने ऐसा खेल दिखाया कि जिन लोगों ने इन पर डाउट किया था उनको बाकायदा चिट्ठी लिखकर और कबूतरों से वो चिट्ठी श्रीलंका पहुंचाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। भाई पाकिस्तान को हराने का मिशन खाली ईशान किशन लेकर आए थे, उन्होंने डामल डोल हो रखी भारत की नाव को संभाला। और वैसे भी हमें आदत है कि इंडिया के जब टॉप ऑर्डर की विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो झारखंड से आए हुए विकेट कीपर बल्लेबाज को मैच बचाते हुए हमने पहले भी कई बार देखा है। ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 138 रन की पार्टनरशिप करी। हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने वाले लोगों से कहना चाहूंगा सुधर जाओ भैया, पांड्या भैया करके आए हैं 90/87 बनाकर हाई स्कोरर रहे हैं। जब तक ये दोनों खेल रहे थे लग रहा था टीम इंडियंस तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाबर आजम ने अपनी तेज गेंदबाज वापस बुलाया और हमारा गोरिया बिस्तर 266 रन पर सिर्फ सिमट गया। पाकिस्तान को जीतने के लिए टारगेट मिला 267 रन, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो हमको नहीं मिला। हमको दूसरा इनिंग देखने को नहीं मिला, हमको बाबर वर्सेस कुलदीप देखने को नहीं मिला, हमको रिजवान वर्सेस बुमराह को देखने को नहीं मिला, हमको पाकिस्तान वालों की सूजी है ये कहने को नहीं मिला। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी करके वापस लौटी वैसे ही बारिश ने दस्तक दे दी और छुपन छुपाई का खेल चालू हो गया। बारिश रुकती थी श्रीलंका के ग्राउंड वाले आते और कवर हटाते और तुरंत ही बारिश वापस आ जाती। एक बार तो बीच में नौके आसपास बारिश पूरी तरह चली गई और पाकिस्तान को जीतने के लिए 36 ओवर में 226 रन का टारगेट मिला। हमें लगा कोई नहीं इसी बात में मजा आ जाएगा, लेकिन इंद्र देवता हमें खुश देखना नहीं चाहते थे। 20 ओवर के लिए कट ऑफ टाइम 10:27 रखा गया, लेकिन 10 तक आते आते क्लियर हो गया कि बारिश रुक भी गई तो फिर भी 10:30 बजे तक ग्राउंड मैच कंडीशन के लिए रेडी नहीं हो। नतीजा ये कि मैच को बोला गया कैंसिल, दोनों टीमों में 1-1 पॉइंट बढ़ गया। पाकिस्तान वाले ऑलरेडी नेपाल से जीते इसीलिए वो सुपर फोर में चले गए, जबकि हमें सुपर फोर में जाने के लिए 4 सितंबर को नेपाल को हराना है। बाकी क्या लगता है आपको, मैच हुआ होता तो किसका पल्ला भारी होता? बारिश हमारे लिए अच्छी हुई या पाकिस्तान के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।